आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ तीन नई टोयोटा की एसयूवीज जो कि अगले 12 महीनों में यानी कि अगले एक साल में लॉन्च हो सकती है। तो स्टिक टिल दी एंड। पहले नंबर पे आती है नई टोयोटा फॉर्च्यूनर विद माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इस व्हीकल का जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, मैं इस पर सेपरेटली वीडियो बना चुका हूँ, आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा अगर आपने सारी डिटेल जानी इस व्हीकल के बारे में कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस व्हीकल, तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं लेटर ऑन। बट ये जो व्हीकल रहेगी इसमें आपको देखने को मिलेगा 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम विच इम्प्रूव्स दी ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी। हालांकि जो इंजन रहेगा वो सेम ही रहेगा 2.8 लीटर वाले डीजल इंजन जो कि हमें ऑलरेडी देखने को मिलता है, बट इसमें आपको इंक्रीज्ड पावर आउटपुट देखने को मिलेगी यानी कि फ्रॉम 201 bhp टू 217 bhp की पावर आउटपुट देखने को मिल सकती है एट 515 मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। एंड इसकी अभी कोई ऐसी ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्ट डेट नहीं आई है सामने कि इसका लॉन्च इस दिन होने वाला है, बट वी कैन एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। सेकंड नंबर पे आती है टोयोटा की अर्बन इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट। अब ये जो टोयोटा की अर्बन इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज द मारुति सुजुकी EVX, मतलब कि टोयोटा एंड मारुति ने जॉइंट पार्टनरशिप में ये दोनों गाड़ियाँ बनाई हैं। तो जो टोयोटा की EV है उसका डेब्यू हो सकता है एट द भारत मोबिलिटी एक्सपो इन अर्ली 2025 एंड ये एक टाइप से रीबैच वर्जन ही रहेगी ऑफ द मारुति सुजुकी EVX बट विद अ डिफरेंट डिज़ाइन एंड विल बी बेस्ड ऑन टोयोटास 27PL प्लेटफॉर्म। एंड इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दो बैटरी पैक्स जो कि रह सकते हैं 48 kW के एंड 60 kW के। क्लेम्ड रेंज हो सकती है अराउंड 550 किलोमीटर्स की। एंड अब अगर मैं लॉन्च के बारे में बात करूं तो इस व्हीकल का लॉन्च जो है हो सकता है बाय मार्च और अप्रैल ऑफ 2025 बिकॉज मारुति जो है अर्ली 2025 में अपनी मारुति EVX को लॉन्च कर देगा जो कि इसी पे बेस्ड एक व्हीकल रहती है, तो उसका भी लॉन्च जैन या फेब में हो जाएगा, तो उसके बाद ही वी कैन एक्सपेक्ट द टोयोटा वर्जन ऑफ इट टू बी ऑल्सो लॉन्च। एंड इस व्हीकल का हम प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 से 25 लाख रुपये तक का। थर्ड व्हीकल जो टोयोटा भारतीय मार्केट में लॉन्च करेगा इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स दैट इज गोइंग टू बी टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर इन 7 सीटर वर्जन। व्हेन लॉन्च्ड ये व्हीकल जो है ये राइवल करेगी ह्यूंडई अल्काज़ार को, MG एक्टा प्लस को, महिंद्रा XUV700 को एंड टाटा सफारी को। इसमें आपको एडिशनल रो ऑफ सीट सिग्नल मिल जाएंगी एंड ऑब्वियसली लॉन्गर बॉडी, तो इसमें आपको माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं एंड मोर फीचर्स एज वेल टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द 5 सीटर वर्जन। मैकेनिकली वही सेम इंजन ऑफर करे जा सकते हैं जो कि रहते हैं 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एंड 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। एंड अगर लॉन्च के बारे में बात करूँ तो मिड 2025 तक हम इस व्हीकल का लॉन्च जो है भारतीय मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इस 7 सीटर की प्राइसिंग जो है इंक्रीज हो सकती है बाय अप टू 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीस एज कम्पेयर्ड विद द प्राइसिंग ऑफ द 5 सीटर अर्बन क्रूजर हाई राइडर। तो ये थी मेरी कुछ वीडियो ऑन द अपकमिंग टोयोटा व्हीकल्स इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स पे। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कंसीडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप लोग मेरी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गाइज़ बाय बाय।